आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक ने एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी की ओर से किसान मजदूर बचाओ यात्रा का शुभारंभ 5 सितंबर को रोहतक में होने जा रहा है। यह यात्रा हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। यह यात्रा 6 सितंबर को शाम 6 बजे पानीपत में प्रवेश करेगी, जिसकी अगुवाई पानीपत के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक करेंगे। यात्रा में सांसद सुशील गुप्ता व अन्य सेंटर के नेता मौजूद रहेंगे। यह यात्रा पानीपत के सिंधिया चौक, आठमरला, रामलाल चौक, फतेहपुरी चौक, नूरवाला से होती हुई सेक्टर 24 अग्रवाल भवन में समाप्त होगी और उनके ऊपर लाठी और डंडे का अत्याचार कर रही है और कह के मरवा रही भाई सिर तोड़ दो। इसके लिए आप लोगों ने सबके पास वीडियो भी आई है साथियों। हमारा जो रूट होगा वो 5 तारीख रोहतक जाट शिक्षा सतन से छोटू राम की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा के हम 9 बजे चालू करेंगे और पूरे 90 की 90 विधानसभा में हर जगह ये प्रोग्राम जाएगा और उसमें जो बातें हमने रखनी है लौटता कि लोगों को इसका पता लगे कि ये किस तरह की जाति कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से सोई पड़ी सरकार और जो काले कानूनों के बारे में प्रॉपर विस्तार से बताएंगे हमारे जो सांसद साहब भी होंगे और भी विधायक भी होंगे, कई एमपी और होंगे उसमें रथ यात्रा में। और हमारा कम से कम 200 के करीब गाड़ियां चलेंगी और 400-500 मोटरसाइकिलें चलेंगी पूरे ग्रुप में। इसके बाद जब हम शहरों में आएंगे, हमारा जो प्रोग्राम है उस दिन 6 तारीख का है। हमने तो आप लोगों के अपने प्रोग्राम के लिए कि भाई 6 तारीख को 6 बजे हमारा अल्थाना बॉर्डर पे हमारा जो यात्रा आएगी और वो यात्रा हम सिमालके को होते हुए और पानीपत से हम संजय चौक से आठमरला पुली पे और उधर मॉडल टाउन गुरुद्वारे में होते हुए इस पे रामलाल चौक से और असंद्र लाल बत्ती से हम टोल से हम वापिस करेंगे। टोल के बाद हम जो अंसल की तरफ जाएंगे और नूराड़ा रोड से वापिस और फतेहपुरी चौक होते हुए बिचपुड़ी चौक होते हुए हमारा सुनोली रोड से होते हुए जो हमारा प्रोग्राम है वो अग्रवाल भवन में समाप्त है। वहाँ जो हमारे साथी चल रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था होगी और साथियों आप लोगों से और सभी पब्लिक से हम गुजारिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इस रैली में का हिस्सा बने। इसमें काफी कम से कम 50,000 आदमी जुड़ रहे हैं और आगे भी अभी फोन बराबर आ रहे हैं भी हम भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमारे को भी जोड़ा जाए। तो इस तरह की ये हमारा प्रोग्राम है कि भाई हर घर तक हम पहुंच सकें और इसको हम अपनी बात को रख सकें, ये हमारा मिशन है। और हम दिल से किसानों की पहले से ही मदद कर रहे हैं, शुरू से मदद कर रहे हैं, आज भी हम किसानों के लिए लग रहे हैं। अगर किसान की जमीन चली गई तो मजदूर की रोटी चली गई। किसानों की जमीन आज जो काला कानून ऐसे ला रहे हैं, जो ये कानून ला रहे हैं, इन्होंने जो जमीनें थी ग्राम सभा की थी और थी ये इन्होंने डायरेक्ट अपने नाम कर दी, अब भाई ये हमारे प्रॉपर्टी होगी। और दूसरा ये कि जो एक कानून जो 75% हाँ करेंगे जब जमीन इक्वायर करेंगे, अब अडानी और अंबानी के लिए इन्होंने किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ये सीधा डीसी से इक्वायर कराएंगे और अडानी अंबानी को सौंप देंगे। ये ऐसा काला कानून जो ला रहे हैं उसके बारे में हमारे गुप्ता जी और हमारे जो हैं वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी तरफ से सभी पत्रकारों को और सभी पब्लिक को और सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब इसमें आप अपना सब योगदान जरूर दे ताकि हमारा जो ये है कामयाब हो और इस सरकार की आंख खुल है, जो ये खट्टर सरकार सोई पड़ी है कुंभकर्ण की नींद, ये हमारा प्रपोजल है। बाकी हमारे और साथी भी हैं जो आप अपनी बात रखेंगे। जय हिंद।